नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। वैसे तो मिर्ची ज़्यादातर घरों में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज हम मिर्ची को इस तरीके से बनाएंगे जो तरीका आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया एक पैन, गैस ऑन कर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन। अगर आप कप से नाप रहे हैं तो ये आधा कप से थोड़ा सा कम बेसन है। इसको पहले हमने अच्छे से भुनना है। इस मिर्ची में हम बेसन का भी यूज़ करेंगे और इसे भुनने के बाद 3 से 4 मिनट जब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ कम तीखी वाली लाल मिर्ची। अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो आप दूसरी वाली भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। मैंने लिया मिर्ची, मैंने कम तीखी वाली मिर्ची ली है जो कि मोटी होती है थोड़ी और लंबी होती है, और जो ज़्यादा तीखी वाली होती है मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली मिर्ची है, ये बहुत तीखी होती है, आप चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कम तीखी वाली ली है, पहले अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया है। अब इसकी सभी डंडियों को हमने हटा देना है। देखिए सारी डंडियों को हमने काट लिया। अब इसको काटना कैसे है, मैं इसे काट रही हूँ कैंची से, आप चाहें तो चक्कू से भी काट सकते हैं और साइज छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके जो बीज होंगे ना एक्स्ट्रा, उसको हमने झाड़ देना है। ये देखिए सारी मिर्ची को हमने काट लिया, इसे थोड़ा सा उछाल देंगे, जो एक्स्ट्रा बीज होंगे ना वो अपने आप ही निकल जाएंगे। ये देखिए इस ढंग से। अब लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इस बार डाल रही हूँ स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें उसे गर्म कर लें। लेकिन जो मिर्ची है ना, ये सरसों के तेल में टेस्टी भी बनती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा मैं डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून काली वाली सरसों, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा सा चला देंगे। मैंने ली थी 8 से 10 लहसुन की कलियां, उनको पतला और लंबा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। इसे भी हमने थोड़ा सा चला देना है, इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। मैंने लिया था 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी पतला और लंबा काट लिया है, वो डाल रही हूँ। मैंने ली थी 1 प्याज, ये बड़े साइज की प्याज थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, वो डाल रही हूँ। प्याज को हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जो प्याज है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे जो प्याज है थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मिर्ची को भी डाल देंगे। मैंने गैस को कर दिया हाई मीडियम और इस मिर्ची को हमने भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, लेकिन चलाते जरूर रहना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमने मिर्ची को भून लिया है, मिर्ची पे ये चित्री आनी शुरू हो गई है। अब डाल देंगे कुछ मसाले, नमक आप स्वाद अनुसार डालें। मैं इस पे 1 टीस्पून भरकर नमक डाल रही हूँ, इस पे थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलता है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। पहले तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमने बेसन भुना था, हल्दी थी इसमें, लाल मिर्ची पाउडर था, वो डालना है, लेकिन एकदम से सारा नहीं डालना, पहले आधा डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। अब आधा भी डाल देंगे। एकदम से जब हम सारा डाल देंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और इसमें गांठे पड़ जाएंगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने ली थी 1 चम्मच सौंफ, इसको ना मिक्सी में पीस लिया था, थोड़ा दरदरा पीसा है, वो डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, व्हाइट वाला विनीगर भी डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर दें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं।
अब कर देंगे गैस को हाई मीडियम। इसको एक मिनट के लिए खुले में भुनेंगे। देखिए एक मिनट तक इसको हमने खुले में भून लिया है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो खत्म हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी सिंपल परांठे पूरी के साथ खाएंगे तो आपको सब्जी की कमी महसूस नहीं होगी। दाल सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे जरूर ट्राई करें, सबको बहुत ही पसंद आएगी। धन्यवाद।